आज दिनांक 21 नवंबर अक्टूबर को लोहा खान वार्ड 47 से सभी नागरिक यहां पर इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे वार्ड 47 में संतोष, श्रीमती संतोष गढ़वाल, पत्नी आनंदीलाल गढ़वाल हैं, जो अपने निवास स्थान पे, जो कि रिहायशी इलाका है, काफ़ी घनी आबादी है, वहाँ पर जियो रिलायंस का एक टावर, काफ़ी ऊंचाई वाला टावर लगा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े टावरों से कितना रेडिएशन फैलता है, जिनसे गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। वहाँ पर सभी गरीब लोग बाग रहते हैं, जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, सारी चीज़ें इन्हीं टावरों से, इन्हीं रेडिएशनों से जनित होती हैं। इन बीमारियों का इलाज अमीर आदमी नहीं करा सकते, तो गरीब आदमी क्या कराएगा, जबकि हमारी सारी कच्ची बस्ती है और पास ही में स्कूल और एक प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए संचालित है, तो वहाँ पर बड़ों लोगों को तो नुकसान होता ही है, बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा। इस सभी चीज़ों को देखते हुए वार्ड 47 से सभी लोग बाग इकट्ठे होके और यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हर हालत में प्रशासन उसको रोके। हमारे यहाँ अभी 3-4 लोग बाग ऐसी आकस्मिक मृत्यु से मरे हैं, जो जिनको गंभीर बीमारियां हुई हैं, और 2-3 केस तो कैंसर के हुए हैं। हम सभी लोग यह चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और इन टावरों को रुकवाने में हमारा सहयोग करे। जय हिंद। मेरा नाम शौकत अली है, हम लोग सभी लोहा खान के वासी हैं, वार्ड नंबर 47।